मियां तेरा जाने वाला, मियां तेरा जाने वाला, ना सरकारी वसाइल, ना सरकारी पैसा, ना सरकारी हेलीकॉप्टर, ना 18 सरकारी ट्रेनें, ना सरकारी गाड़ियां, ना डीसी, ना कमिश्नर, ना एसी, और एक वो है परेड ग्राउंड में रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। जलसा कहता था 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख तो क्या, 10,000 बंदा नहीं आया उसके जलसे में। तुम लोगों को चूहा कहते हो, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों से बदतमीजी करना नहीं सिखाया, लेकिन इमरान की बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़। तुम दूसरों को चूहा कहते हो, मैं बताती हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा कौन है। आज जो परेड ग्राउंड में खड़ा होकर ची 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 कर रहा था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा है, क्योंकि रोने की आवाजें आ रही थी ना। अब कहीं इमरान खान अपने जलसे के, नहीं गाली नहीं बेटा, अब कहीं अपने जलसे की नाकामी का इल्जाम भी नवाज शरीफ पे ना लगा देना। अब कहीं ये ना कह देना कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, मेरे लोगों को जलसे में आने से रोक रहा है। बात ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा जो खा खा कर मोटा हो गया है, उस चूहे का नाम है इमरान खान। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका आटा खा गया। ये पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का वाहिद चूहा है जो 22 करोड़ लोगों का आटा खा गया, जो 22 करोड़ लोगों की चीनी खा गया, जो 22 करोड़ लोगों का घी खा गया। ये वो है जो 22 करोड़ लोगों की नौकरियां खा गया। और इल्जाम लगाते हो नवाज शरीफ पर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। नवाज शरीफ ने जिंदगी में बड़ा कुछ सहा, जाली मुकदमे भी भुगते, जाली कैदे भी काटी, लेकिन पता है कि नवाज शरीफ को ये मुल्क के आवाम बार बार क्यों मुंतखब करके लाते हैं? क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान का बेटा है। अगर तुम सुनना चाहते हो कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे कहते हैं, अगर तुम सुनना चाहते हो कि एब्सोल्युटली नॉट कैसे कहते हैं, तो याद करो वो दिन कि $5 अरब की ऑफर ठुकरा कर नवाज शरीफ ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए थे। एब्सोल्युटली नॉट, देखो जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाला अभी चंद दिन पहले ये कहता था, सर झुकाकर ये कहता था कि जो बाइडन मुझे फोन नहीं करता, अमेरिका का सदर मुझे फोन नहीं करता, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मुझे फोन नहीं करता, और जिसको कोई फोन नहीं करता
जिसको कोई मुंह नहीं लगाता वो एब्सोल्युटली नॉट किसको कहेगा? और बातें करते हो आलमी साजिश की, क्या अमेरिका ने तुम्हारे 2 दर्जन बंदे उड़ा लिए? नवाज शरीफ दुनिया का वो वाहिद बॉलर है जिसने एक गेंद पर लंदन से बैठकर इमरान खान की 2 दर्जन विकेट उड़ा दी। नवाज शरीफ वो बैट्समैन है, वो बल्लेबाज है। जब इमरान खान ने अपनी तरफ से फुल टॉस गेंद कराई, नवाज शरीफ ने छक्का मार के स्टेडियम से बाहर फेंका। और अब ये हारा हुआ शख्स मुंह लटका कर पेविलियन वापस जा रहा है। आज तकरीर में कहता है, मुझे मरियम औरंगजेब बता रही थी कि नवाज शरीफ वहां लंदन में बैठकर छुप छुप कर लोगों से मिलता है। मैं एक बात बता दूं पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ जिसको भी मिलता है मुल्क के मफाद में मिलता है, पाकिस्तान के लिए मिलता है, अपने 22 करोड़ अवाम के लिए मिलता है। तुम्हारी तरह इंडिया जाकर पाकिस्तानी फौज को बुरा भला नहीं कहता, तुम्हारी तरह बाहर जाकर पाकिस्तान की फौज पे उंगलियां नहीं उठाता, और तुम मोहल्ले की मौसी की तरह, चालाक लूमड़ी की तरह, तुम मोहल्ले की मौसी की तरह कभी इधर चुगली लगाते हो, कभी इधर चुगली लगाते हो। वो कहते हैं ना, कहना बेटी को, सुनाना बहू को। तुम इदारों को ये कहकर नवाज शरीफ से डराते हो कि नवाज शरीफ आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कान खोल के सुन लो, ये इदारे भी नवाज शरीफ के हैं, ये आवाम भी नवाज शरीफ की है, ये मिट्टी भी नवाज शरीफ की है, ये मुल्क भी नवाज शरीफ का है। और फिर कहते हो, और फिर खिसियानी बिल्ली बनकर कहते हो कि मेरे पास बड़े राज हैं लेकिन मैं खोलूंगा नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई राज होते तो तुम आज पूरी दुनिया के सामने उनको नशर करते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये चुप करके इसलिए बैठेगा, ये नहीं लड़ सकता, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, इसलिए इसको पता है कि यहाँ इसने जबान खोली वहां इसके करप्शन के पलंदे खुल जाएंगे। LNG की 122 अरब की डीलें खुल जाएंगी, आटा माफिया खुल जाएगा, चीनी माफिया खुल जाएगा। और सबसे बड़ा स्कैंडल जानते हो, लाहौर की फराह जिसके ताने बाने सारे बनी गाला के जादू टोने से मिलते हैं, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली फराह को करोड़ों रुपया दिए बगैर नहीं होती। और इसने 1200 करोड़ रुपया, 12 अरब रुपया इसने नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढने में खर्च किया, आपके खून पसीने की कमाई। मुझे ये बताओ क्या ये तुम्हारे खानदान की कमाई है? और बदले में क्या निकला? पूरी दुनिया ने कह दिया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन है, शहबाज शरीफ सादिक और अमीन है। शुक्रिया इमरान खान, जो तुमने 12 अरब रुपया आवाम का खर्च किया उसका हिसाब तो हम ले लेंगे तुमसे इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पहले जज अरशद मलिक से नवाज शरीफ की बेगुनाही की तुमने बात सुनवाई, फिर तुमने लंदन से जो अदालतें हैं वहां से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में गवाही आई। तो मेरे भाइयों, और
अमर बिल मारूफ की बातें करता है, अगर पाकिस्तान में कोई डीजल कहलाने का हकदार है उसका क्या नाम है? इमरान खान, क्योंकि हाथ उठा के गवाही दे, डीजल जितना आज महंगा है कभी महंगा हुआ? तो फिर डीजल कौन? आवाज नहीं आई, डीजल कौन? झूठा कौन? नौसरबाज कौन? बदजुबान कौन? बदतमीज कौन? मुनाफिक कौन? रोटी चोर कौन? तो मेरे भाइयों, ये वादा रहा कि इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएंगे, आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे आपके ऊपर फखर है, तुसी कदी नवाज शरीफ दी कंड नहीं लगन दिती, चाहे वो जजेस बहाली का लॉन्ग मार्च हो या वो नवाज शरीफ को जब तनख्वाह ना लेने पर निकाला था या वो जीटी रोड वाला मार्च हो।